फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शेयर करेंगे कानपुर चमनगंज की चटपटी बिरयानी, जो बहुत ही स्पाइसी बनता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े का बिरयानी बनेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे चिकन बिरयानी में क्या क्या सामान लगेगा, वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 kg चिकन में बिरयानी बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो 2 kg चिकन में 250 ग्राम दही जाएगा और साथ ही साथ हम कुछ खड़े मसाले देख लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम 1 teaspoon के लगभग साजीरा है, 2 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है, 1 बरियान का फूल है, 4 से 5 लौंग है, थोड़ा सा तेज पत्ते हैं 2 से 4 और थोड़ा सा दालचीनी है। तो सबको हम गोश्त में डाल देंगे, साथ ही साथ हम डाल देंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 10 से 15 हरी मिर्ची है, इसको हमने बारीक कूट लिए हैं। 4 teaspoon सौंफ का पाउडर है और 4 teaspoon धनिया का पाउडर है। और यहाँ पे हम 4 medium size का ऑनियन था, उसे हमने फ्राई कर लिए थे फ्रेंड्स, वो भी डाल देंगे। सबको हम डाल करके अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले को डाल करके अच्छे से मैरिनेट कर लिए हैं और अब हम डालेंगे 100 ग्राम अमूल क्रीम, इसे भी डाल करके एक बार फिर से मिला लेंगे और इसे हम एक साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हम फ्रेंड्स 2 kg चावल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 kg चिकन है, तो 2 kg चिकन के साथ 2 kg चावल भी जाएगा। और अब हम फ्रेंड्स इसी ऑयल में सारे चिकन को डाल देंगे, इसी में हमने कांदा फ्राई करके रखे थे। सारे चिकन को डाल करके हम एक बार चम्मच से मिला लेंगे। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स और ये कानपुर की चटपटी बिरयानी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही स्पाइसी बिरयानी बनती है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हम डाल देंगे 4 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम डाल करके एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल करके सारे चिकन में अच्छे से मैरिनेट कर लिए हैं और अब हम ढक्कन से कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट स्लो आंच पर कुक होने देंगे। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट स्लो आंच पर पका लिए हैं और अब हम चिकन को खोल कर देख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चिकन 80% पक गया है और 20% के लगभग बाकी है। तो इसे हम खोल करके चिकन को एकदम अच्छे से भूनेंगे और हमारे चिकन में जितने भी एक्स्ट्रा पानी है सबको हम खोल करके ड्राई करेंगे। और साथ ही साथ हम डाल लेंगे 10 से 15 हरी मिर्ची और इसे हमने बीच से कट कर लिए हैं और अब हम एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मसालों के साथ मिर्ची सबको डाल करके मिला लिए हैं और अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ये गिलास से 8 गिलास चावल था, तो इससे हम 8 × 16 गिलास पानी डालेंगे। फ्रेंड्स हम जब भी बिरयानी बनाते हैं तो चावल का डबल पानी डालते हैं, जैसे कि अगर हम 1 kg चावल बना रहे हैं तो 1 kg 4 गिलास होगा, तो 4 गिलास की जगह हम 8 गिलास पानी डालेंगे, तभी हमारा बिरयानी एकदम परफेक्ट और स्पाइसी बिरयानी बनता है, बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पानी डाल दिए हैं और इसी के साथ नमक भी डाल करके पानी में उबाल आने तक वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे पानी में बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है और इस टाइम हम ढक्कन को खोल करके हटा देंगे और जितने भी हमारे पास चावल है सबको धीरे धीरे करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे चावल को पानी में डाल दिए हैं और अब हम सारे चावल को एक चम्मच से मिलाएंगे, एकदम हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे, नहीं तो हमारा चावल टूट सकता है, क्योंकि हमने चावल को पहले से भिगो करके रखे हुए थे, हमारा चावल एकदम फूला हुआ है इसलिए हम एकदम धीरे धीरे चलाएंगे। तो हमने सारे चावल को अच्छे से मिला लिए और अब हम ढक्कन से कवर करके चावल पकने तक वेट करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे चावल रेडी हो गया है और अब हम फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर में हमने 2 चम्मच पानी डाल करके उसका घोल बना लिए थे और अब हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए अनियन
तो यहाँ पे हमने सारे अनियन को डाल दिए हैं और अब हम ढक्कन से कवर करके 10 मिनट सिलो आंच पर दम देने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 मिनट पकने के बाद हमारी बिरयानी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही लाजवाब देखने में लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। और कानपुर की चमनगंज की चटपटी बिरयानी है, ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की बनती है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। आई होप के फ्रेंड्स हमारी ये कानपुर चमनगंज की चटपटी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।